एक, दो और तीन। हाँ, रोटियां तीन हो गई पूरी। अरे पापा जी, आपने रोटी तो गिन ली, लेकिन इसमें जो सब्जी में आलू है उनको भी गिन लेते ना एक बार। अरे मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूं, मैंने गिन लिए कितने आलू हैं अच्छा और हरी मिर्ची भी गिन ली। ठीक अच्छा है, अब तुम चुपचाप जाके रिश्तेदार को खाना दे आओ। हाँ हाँ ला। रिश्तेदार को दे के आऊंगा, पैसे मिलेंगे। हमारे लिए सूखी रोटी, रिश्तेदार के लिए सब्जी भी अचार भी, ऐसा कौन सा फितर हमारा? देखता हूँ। रिश्तेदार नमस्कार। नमस्कार बेटे, नमस्कार। रिश्तेदार, पापा ने आपके लिए खाना भेजा है। बेटे क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत नहीं है, अब ले आए तो बेटे खा लेते हैं, दे दो। ये लो, ठूसो, लाओ मतलब खाओ। पानी लाओ बेटा। तो मैं ही पी लेता हूं, इतनी दूर से चल के आओ ना, गर्मी बहुत है। खाओ खाओ, खूब खाओ। रन। अरे सब्जी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी मम्मी ने बनाई है क्या? अरे नहीं, सब्जी और रोटी तो पापा जी बनाते हैं, मम्मी का तो सिर्फ नाम ही नाम है। अरे आपके पापा तो सब्जी रोटी बनाते हैं, मैं तो सब्जी रोटी बनाता हूँ और बर्तन भी साफ करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब तो मैंने ठीक ही शादी नहीं की फिर। हमारे यहाँ तो जो भी मेहमान आता है कुछ ना कुछ पैसे दे के जाता है, इनसे भी पूछूं कि पैसे लेके आए कि नहीं। रिश्तेदार, एक बात पूछूं आपसे, आप भी पैसे लेके आए हो या नहीं? देखता हूँ बेटे। लो बेटे, ये 10 रुपये एक बीड़ी का बंडल ले आना। बीड़ी का बंडल? मैंने सोचा मेरे लिए दिया, लेकिन बीड़ी का बंडल तो 20 रुपए का आता है। 10 रुपये बेटा अपने पास से मिला लेना। अरे कैसा रिश्तेदार है ये, आप खाना खाओ खाना खाओ, फिर बाद में मिलाता हूँ। खाओ खाओ। रन। बेटा पेट भर गया, ले जाओ इसे बेटा। अरे एक रोटी बच गई अभी। बस बेटा पेट भर गया, ले जाओ। और नहीं खाओगे ना? नहीं बेटा। ठीक है, फिर ले जाता हूं मैं इसको, इसमें थोड़ा पानी बचा है, पी लेना। ठीक है बेटा। ठीक है। पापा जी, रोटी मैं खिलाया मेहमान को। अच्छा किया बेटा। पापा जी, एक बात समझ में नहीं आती, आप जब भी कोई मेहमान आता है 3 रोटियां देते हो। हाँ। लेकिन मेहमान एक रोटी हमेशा छोड़ देता है, फिर आप 3 क्यों देते हो? अरे बेटा, मैंने तेरे को बताया नहीं था क्या? 2 रोटियां तो होती है मेहमान के लिए। अच्छा। और जो 3री रोटी होती है वो हमारी इज्जत की रोटी होती है। इज्जत की? हाँ जी, इसमें हमारी इज्जत होती है। अच्छा। हाँ समझ गया, मतलब ये 3री रोटी हमारी इज्जत होती है। इज्जत, पापा ने बहुत अच्छी बात बताई, इज्जत को संभाल के रखूंगा। अरे संदीप। अरे जोगिंदर, तुम हमारे गांव में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे गांव से एक बकरी लेके गया था। अच्छा। घर जाते ही 2 थन उसके गायब हो गए। 2 थन गायब हो गए? ऐसे कैसे, कौन सी बकरी थी? ओ यार, मिट्टी की थी। अच्छा, मिट्टी की थी। हाँ। तो टूट गए होंगे रास्ते में, चलो घर चलते हैं। अच्छा, ये डंडा किस लिए लेके आए हो? ओ यार, खाली हाथ नहीं जाते ना किसी के घर। हाँ, तो मेरे लिए लेके आयो। और क्या, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ, भूख लगी होगी ना? हाँ हाँ, हाँ लगी। चलो, तो डंडा भी तुमने अपने से लंबा ले रखा है। क्या करे यार, लंबे के बगैर काम नहीं चलता, तुम समझते नहीं। हाँ, अब मैं जाऊंगा तुम्हारे जैसे आदमी को, तो बड़ा चाहिए ना। हाँ बड़ा चाहिए, ये तो मेरे साइज का है। हाँ बिल्कुल। तुम अपने साइज का कब लोगे? वो तुम्हारे घर पे तो तुम्हारे साइज का रहेगा ना, मेरे साइज का तो मेरे घर पे है। हाँ हाँ हाँ। और मेरा बकरी का 2 थन टूट गया, मैं दूध कैसे निकालेगा जोगिंदर, मैं परेशान है। अच्छा, जिस टाइम पे थन टूटा था उस टाइम पे डंडा तुम्हारे साथ था क्या? नहीं, बगैर डंडे का था। अरे डंडा होता तो थन नहीं टूटता। डंडा तो हमेशा रखना चाहिए। पता नहीं किस टाइम पे कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं। ये सही बात बोला जोगिंदर। हाँ आओ बैठो। सही बात बोला। हाँ, बैठो, विश्राम करो, तकिया लगा है ना। हाँ, लंबे लेट जाओ, मैं खाना मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। ओ यार, तुम कितना सेवा करता है, कैसा बंदा है तुम, भगवान का बंदा है। अच्छा करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। हाँ ठीक है ना, अब तुम टांगे ऊपर करके लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का जुगाड़ करता हूँ। ओ ठीक है, मैं लंबा टांग करता है। हाँ लेट जाओ। ओ जो भी आता है खाली हाथ ही आता है, कुछ पैसे देकर नहीं जाता, लेकिन ये तो मेरे को अपने जैसा समझदार लग रहा है, जरूर कुछ न कुछ लेके आया होगा। चलो ट्राई करते हैं।
रिश्तेदार खाना खाओ, खाना लेके आओ मेरे लिए लाया। हाँ खाना ओ, कमाल है, जोगिंदर ने भेजा। हाँ पापा ने भेजा। ओ बैठो यार तू। पानी तो मैं ही पीऊंगा क्योंकि दूर से आता हूँ, पानी मैं ही पीऊंगा। इतना दूर से खाना लाया? अरे खाओ खाओ आप खाओ। अच्छा ओ वाह वाह यार क्या बात है क्या बात है, जोगिंदर भगवान का बच्चा, ये जरूर कुछ ना कुछ लेके आया होगा। अरे तुम कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ तक पढ़ाई? हाँ वो रिश्तेदार बोलते हैं ना कि पढ़ाई तो गहना होती है। हाँ हाँ होती है, होती है। तो और गहना मर्द के लिए हराम होता है, इसलिए मैं मर्द हूँ, मैंने पढ़ाई की ही नहीं। ओए तुम असली मर्द का बच्चा है, मैंने भी नहीं की। अच्छा अच्छा हाँ खाओ, खाओ। दो रोटी तो मेहमान ने खा ली है, अब एक बच्ची है, ये हमारी इज्जत बच्ची। चलो इज्जत हमारी बच गई है, अब देखते हैं क्या होता है। अरे कॉफी ट्राई इसको, ये तो रिश्तेदार है हमारा, अरे मत मार इसको। मेरा कसूर क्या है, कौन सी इज्जत में हमला किया मैंने, क्या क्यों मार रहे हो मेरे को? एक मिनट बेटा, इसने कौन सी इज्जत पे हमला किया हम पे? अरे पापा आपने बोला था ना कि दो रोटी तो होती है मेहमान की, हाँ। और तीसरी रोटी होती है हमारी इज्जत है, हाँ। इस कमीने ने तीसरी रोटी तोड़ दी पापा। तीसरी रोटी तोड़ दी तुमने? ओए तीसरी रोटी मैं खाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। ओए हाँ मार, मार।